हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस, मैं सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी करना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ऑलमोस्ट 7 महीने के बाद मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके लिए मैं दिल से सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी था और मैं बिल्कुल भी अपने चैनल को टाइम नहीं दे पाया। लेकिन होपफुली आज के बाद आपको हफ्ते में 3-4 वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जो कि आपके लिए और आपके पेट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो गाइस, जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज़ जर्मन शेपर्ड केयर इन विंटर्स। विंटर्स के अंदर हम ऐसा समझते हैं कि हमारे जीएसडी को किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी डॉग बहुत ज़्यादा चिल करते हैं और एक अलग ही उनका मूड होता है, जो कि बहुत हैप्पी और बहुत एनर्जेटिक होता है एज़ कम्पेयर टू समर्स। गर्मियों के अंदर डॉग बहुत निढाल हो जाते हैं, विंटर्स के अंदर बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि डॉग्स को विंटर में केयर की ज़रूरत नहीं होती, एंड दैट इज़ टोटली रॉन्ग। विंटर्स के अंदर जर्मन शेपर्ड को कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं कुछ पॉइंट्स में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप अपने जर्मन शेपर्ड को ईजिली मैनेज कर सकते हो विंटर के अंदर, ताकि आपका डॉग और अच्छे से आपके साथ ईजिली कम्फर्ट जोन में रहे। सो गाइस, सबसे पहले हम इस चीज़ पर गौर करेंगे कि कौन से टेम्परेचर पर जर्मन शेपर्ड को सर्दी लगना शुरू हो जाती है। मोस्टली इस चीज़ का लोगों को नहीं पता होता। लोग यही सोचते हैं कि जितनी भी सर्दी हो जाए जर्मन शेपर्ड इजीली बेयर कर सकता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद अगर टेम्परेचर पीछे जाता है, फॉर एग्जांपल 18, 19, 17, 16, 15, तो यहाँ पे जर्मन शेपर्ड को ठंड लगना शुरू हो जाती है। इस बात का आपने गौर करना है कि अगर आपके एरिया का टेम्परेचर जो है वो 20 से पीछे जा रहा है, तो इसका मतलब आपके जर्मन शेपर्ड को ठंड लगना शुरू हो जाएगी, आपका डॉग शिवर करना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए जो हमने सबसे पहली चीज़ करनी है वो ये करनी है कि उसके लिए एक हमारे पास एक सॉफ्ट जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो आराम से बैठ सके। वो एक आप छोटा सा बेड हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट। उसके लिए एक कंफर्ट जगह आपने प्रोवाइड करनी है उसके बैठने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए अपने डॉग के लिए, दैट इज़ अ ब्लैंकेट। एक कंबल होना चाहिए डॉग के लिए ईजिली, जिसमें वो कंफर्टेबल होकर बैठ सके और रात को सोने के टाइम आप उसके ऊपर दे सको। मोस्टली डॉग्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वो कंबल नहीं लेते। अगर आप अपने डॉग के ऊपर कंबल रख भी दोगे तो वो उसको हटा देगा, या तो वो उठ के बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा और कंबल को नीचे रख के फिर उसके ऊपर बैठ जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बहुत नॉर्मल है डॉग्स के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो कोई इशू नहीं है। जो इसका सोल्यूशन आप कर सकते हैं वो ये है, आप अपने डॉग को एक स्वेटर पहना दो। मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं कि अपनी कोई पुरानी स्वेटर लेके अपने डॉग के ऊपर डाल देते हैं, एंड दैट इज़ वेरी कम्फर्टेबल फॉर योर डॉग। आपका डॉग भी कम्फर्टेबल हो जाता है और आपके लिए भी ये टेंशन खत्म हो जाती है कि मेरे डॉग को सर्दी लग रही है। सो गाइस, अब बात करते हैं कोट की। मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि जर्मन शेपर्ड पूरे साल अपने बालों को शेड करता है, और जर्मन शेपर्ड्स को जर्मन शेडर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका कोट बहुत ज़्यादा शेड होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली जर्मन शेपर्ड समर्स के अंदर अपने बाल बहुत ज़्यादा शेड करते हैं। शेडिंग का मतलब ये होता है कि अपने बाल उतारना। जर्मन शेपर्ड अपने बाल उतारता है गर्मी में और उसका जो नया कोट है वो विंटर्स में बाहर आता है। तो आप इस चीज़ को नोट करोगे कि सर्दियों के अंदर जर्मन शेपर्ड का कोट काफ़ी हेल्दी हो जाता है और आपके डॉग का कोट एक अलग ही लेवल पे नज़र आ रहा होता है। जो लोग इस डॉग को रखते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि सर्दियों के अंदर जर्मन शेपर्ड का कोट बहुत अच्छा हो जाता है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे मेन चीज़ की तरफ, वो है जर्मन शेपर्ड की डाइट की, कि विंटर्स में डाइट को किस तरह रखा जाए। क्योंकि मोस्टली जीएसडी के जो ओनर्स होते हैं वो यही कहते हैं कि हमारा डॉग वेट गेन नहीं कर रहा और ये बिल्कुल लीन नज़र आता है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। हमें चाहिए हमारा डॉग हैवी दिखे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जीएसडी एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि लीन मसल है, तो मोस्टली जर्मन शेपर्ड वेट गेन नहीं कर पाते, स्पेशली गर्मियों के अंदर। लेकिन विंटर्स के अंदर ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है कि जर्मन शेपर्ड वेट गेन कर लेता है। तो डाइट में अगर आप मुझसे पूछें कि डाइट ऐसी क्या दी जाए कि जर्मन शेपर्ड वेट गेन कर ले, तो उसमें मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि आपने चीज़ों को सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। मॉर्निंग टाइम में आप अपने डॉग को डॉग फूड दो अच्छे ब्रांड का दोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंडली, रात के टाइम पर आप अपने डॉग को चिकन रोटी या फिर कीमा चावल, कीमा रोटी, एनी कॉम्बिनेशन जो आपको सूट करती है, जो आपको अच्छी लगती है, आपने डॉग को दे सकते हो। आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपने डॉग को कीमा चावल या कीमा रोटी दो और मॉर्निंग टाइम में आप उसको डॉग फूड दो। इस चीज़ से आपका डॉग काफ़ी, इस कॉम्बिनेशन के साथ आपका डॉग बहुत अच्छे से वेट गेन करेगा और हेल्दी वेट गेन करेगा। लेकिन आपने अपने डॉग को बिल्कुल खिलाते ही नहीं रहना, बल्कि एक वॉक भी बहुत ज़रूरी होती है। अब वो आप भले उसको मॉर्निंग में करा लो या आप उसको इवनिंग में करा लो। अगर आपका डॉग ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो इजीली खुला घूम सकता है, आप उसको बांध के नहीं रखते हो,
आपका डॉग खुद ही अपनी वॉक पूरी करता है, भाग फिर सकता है, इतनी बड़ी जगह है, तो देन इट्स टोटली फाइन। लेकिन अगर आपके पास जगह छोटी है तो दिन में एक वॉक ज़रूरी है उसके लिए, एटलीस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉक बहुत ज़रूरी है फॉर अ जर्मन शेफर्ड। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो होपफुली आपका डॉग विंटर्स में बिल्कुल चिल करेगा। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि हर आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। लव यू ऑल।